हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस स्टडी चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार राणा और इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर लास्ट डेट हो गई 2 अक्टूबर 2019, जो कि ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स 2019 वैकेंसी की होगी। और ये डायरेक्ट एंट्री है, जो आप लोगों के बीच यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना। इस वीडियो पर 1000+ लाइक का टारगेट है और 100 शेयर का टारगेट है। आप ज़रूर एक एक शेयर करना अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम जो है ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स हो गया। और पोस्ट की हम बात करें तो कुक की पोस्ट है और दूसरा हाउस कीपिंग स्टाफ की पोस्ट है। दो पोस्ट है जो कि आप जितना चाहो इसमें जॉब ले सकते हो, जितने चाहे बच्चे। आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास है, ठीक है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑफलाइन हो गए। आपको एक पते हो गए, उस पे पते पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर कर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बाय पोस्ट करना पड़ेगा। डिफेंस की जॉब हो गए। और यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया लेबिलिटी, पूरे भारत के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम लोकेशन की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है बाय पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और जॉब लोकेशन कहीं पर भी आपको जॉब दिया जा सकता है, ठीक है। जेंडर की बात करें तो मेल एवं फीमेल, फीमेल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए। मेल के लिए तो बहुत सारा वैकेंसी आती है, लेकिन फीमेल के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस, उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है। ये तीनों आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस, मेडिकल होगा, फिटनेस होगा और सर्टिफिकेट होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिर्फ मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाउस कीपिंग स्टाफ, कुक के लिए तो मैट्रिक का चाहिए सर्टिफिकेट, और हाउस कीपिंग के लिए मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिक अगर आपने करके या फिर अदर में भी किया है तो वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर और करके इक्विवेलेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8th पास तो नहीं है, और करके दिया गया, कोई भी अगर आपने अलग से कोर्स किया है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक पास है तो कुक एवं हाउस कीपिंग स्टाफ दोनों में आप जा सकते हैं। एज लिमिट बहुत बड़ी एज लिमिट है यहाँ पर, 28 साल तक है, ठीक है। आप जितने हो 10th पास किए हो, 28 साल तक हो उसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लीकेशन फ़ी कोई फ़ी नहीं लगेगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कोई फीस भी नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट से डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 सितंबर को ये पब्लिश किया गया था। लास्ट डेट यहाँ पर 30 दिन जो है वो उनके बाद होता है, ठीक है। तो यानी कि 2-3 अक्टूबर तक इनका जो है वैकेंसी वो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। उनके पहले ही आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करके भेज देना है। आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कहाँ पर पोस्टल एड्रेस करना है। तो द स्टेशन कमांडर AF स्टेशन चिन्मय, ठीक है, चिमनी हिल्स। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का एड्रेस दिया गया है और यहीं पर हमको पते पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टल एड्रेस हाउस कीपिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सुलूर, और इस तरह का जो है यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जो कि ये पिन कोड हो गया। तो यहाँ पर हमें जो है भेजना पड़ेगा इस पते पर। ये 10th पास के लिए बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे, कैसे इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कैसे लगे वीडियो ये ज़रूर बताना। तो 100 जो है वो शेयर का टारगेट है और 1000 जो है वो लाइक्स का टारगेट है। आप ज़रूर पूरा करना, एक एक शेयर ज़रूर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।